जहां जहां से कॉन्स्टिट्यूशन अपनी ताकत लेता है, कोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन में बंदा खड़ा कर दिया सेंटर की सरकार में, जिसको मर्जी भर दें वहां, जो चाहे कर लें, ठीक है, उनकी बात। फिर सीबीआई तो बेड़ियों में है दोस्त, और जहां जहां ऐसी बातें होती हैं तो क्रांति तो आती है, उस क्रांति का नाम राहुल गांधी है। क्या हुआ, अगर सही मुद्दों पे अब भी आ जाएंगे सब इकट्ठे होके तो जब जागो तब सवेरा है दोस्त। लेकिन जहां पंजाब की बात आती है, समझौता कोई नहीं है हमारा। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन में आपके साथ गठबंधन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जिस मकसद से हजारों करोड़ रुपए का फंड दिया गया है, उस मकसद से उस फंड का उपयोग नहीं किया गया है। इसी वजह से केंद्र सरकार पंजाब को फंड नहीं दे रही है। प्रदेश में लगातार आमदनी में कटौती होने की वजह से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की नौबत आ गई है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले उनकी तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में कोई धरना नहीं लगेगा, ना ही हड़ताल होगी, भ्रष्टाचार और नशा खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद सब कुछ दोगुना हो गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश की तहसीलों में डबल भ्रष्टाचार चलने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस और नशा तस्करों का गठजोड़ खत्म नहीं होता, तब तक नशा समाप्त नहीं होने वाला है। इसके लिए राज्य सरकार की पॉलिसी बनानी होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र से कर्जा लेकर अरविंद केजरीवाल को जहाजों में सैर करा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल और भगवंत मान पहले झूठ की पैकिंग करते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से आम आदमी पार्टी को चार राज्यों में विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन के सवाल पर नवजोत सिंह सिद्धू सहज नजर आए। उन्होंने कहा कि वो हाईकमान के आदेशों पर बतौर सिपाही गठजोड़ के लिए काम करेंगे। इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले ही जिस तरह से सभी घटक दल आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदायक साबित होगा। क्योंकि कहीं पर भी देख लीजिए, आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर निशाना साधने से नहीं चूकती, तो वहीं पर कांग्रेस को भी मौका मिलता है तो आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेती है। और यही अब पंजाब में होता दिख रहा है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लिए तो कांग्रेस सहमति जताती है, लेकिन भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का विरोध करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और यही बातें नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कही है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़।